हम इस वीडियो में बात करेंगे यूज ऑफ दिस डैट दिस डॉज से संबंधित पहली एक्सरसाइज जो पॉजिटिव सेंटेंस पर आधारित है के बारे में। तो इस एक्सरसाइज का पहला सेंटेंस देखते हैं। पहला सेंटेंस है यह किताब है, यह किताब है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले यह की इंग्लिश लगाएंगे और आपको पता है कि यह की इंग्लिश दिस होती है, तो इसलिए यहाँ पर हम दिस का प्रयोग करेंगे। दिस और दिस के साथ हम इज लगाते हैं, तो दिस इज और बचा है किताब, तो दिस इज बुक। सेंटेंस कंप्लीट हो गया है। अगला सेंटेंस देखिए, यह मेरा बस्ता है, यह मेरा बस्ता है। तो यहाँ पर सबसे पहले यह की इंग्लिश लगाएंगे, तो यह की इंग्लिश आपको पता है दिस होती है, तो दिस इज, दिस के साथ हमेशा इज लगाते हैं, तो दिस इज मेरा बस्ता, तो मेरा बस्ता की माई बैग, दिस इज माई बैग। सेंटेंस कंप्लीट हो गया है। अगला सेंटेंस देखिए, यह मोटी किताब है, यह किताब मोटी है, यह किताब मोटी है। तो यहाँ देखिए यह किताब यानी यह किताब एक साथ आएगा, मोटी है, तो यह किताब की इंग्लिश लगाएंगे दिस बुक, दिस बुक। तो दिस बुक यहाँ हम देखते हैं कि एक ही किताब की बात हो रही है, मतलब सिंगुलर है, और इसलिए यहाँ पर इज का प्रयोग हो रहा है। तो दिस बुक इज, फिर मोटी की इंग्लिश थिक लगाते हैं, दिस बुक इज थिक। सेंटेंस कंप्लीट हो गया है। अब अगला देखिए, अगला सेंटेंस देखिए, वह बिल्ली है, वह बिल्ली है। तो यहाँ पर वह बिल्ली है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर वह की इंग्लिश लगाएंगे जो कि होती है डैट, तो डैट। यहाँ देखिए बिल्ली है, वह बिल्ली है, हम दूसरे तरीके से इसे देख सकते हैं, बिल्ली दूर है, हम बिल्ली की तरफ इशारा कर रहे हैं, और जिस बिल्ली की तरफ इशारा कर रहे हैं वह बिल्ली हमारे पास नहीं है, दूर है, इसलिए हम यहाँ पर डैट का प्रयोग कर रहे हैं। तो डैट इज कैट, डैट इज कैट। सेंटेंस कंप्लीट हो गया। अगला सेंटेंस देखिए, वह बिल्ली काली है, वह बिल्ली काली है। तो यहाँ देखिए वह बिल्ली काली है, तो यहाँ हम वह के साथ बिल्ली भी आया है, वह बिल्ली एक साथ यूज कराएंगे, वह बिल्ली काली है, तो वह बिल्ली की इंग्लिश आपको पता है क्या लगाएंगे, डैट कैट। एक ही बिल्ली की बात हो रही है इसलिए डैट लगाएंगे, तो डैट कैट। फिर उसके बाद है की इंग्लिश इज, डैट कैट इज, फिर काली की इंग्लिश ब्लैक, डैट कैट इज ब्लैक। और ये सेंटेंस कंप्लीट हुआ है। अगला सेंटेंस देखिए, ये कहानियों की किताबें हैं, ये कहानियों की किताबें हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले ये की इंग्लिश लगाएंगे, और देखिए यहाँ पर हम सेंटेंस से हमें ये पता लग रहा है कि कहानियों की किताबें जो हैं वो हमारे पास नहीं हैं और एक से ज़्यादा हैं, ये कहानियों की किताबें हैं। तो यहाँ पर हम दीज लगाएंगे, दीज, फिर क्योंकि ये प्लूरल है, एक से ज़्यादा की बात हो रही है, इसलिए यहाँ पर आर का प्रयोग करेंगे, तो दीज आर। अब कहानियों की किताबें, तो यहाँ पर कहानियों की किताबों की इंग्लिश जो लगाएंगे, बुक्स ऑफ स्टोरीज, बुक्स ऑफ स्टोरीज, या फिर स्टोरी बुक्स ऐसा लगा सकते हैं, तो हम यहाँ लगाएंगे दीज आर बुक्स ऑफ स्टोरीज। एक बार फिर से देखिए, हमने सबसे पहले दीज की इंग्लिश, ये की इंग्लिश दीज लगाई, फिर उसके बाद हमने हैं की इंग्लिश आर लगाई, दीज आर, फिर कहानियों की किताबें बुक्स ऑफ स्टोरीज। सेंटेंस कंप्लीट हो गया है। अगला सेंटेंस देखिए, ये कहानियाँ रोचक हैं, ये कहानियाँ रोचक हैं, ये कहानियाँ रोचक हैं। तो यहाँ पर ये कहानियाँ, इसकी इंग्लिश एक साथ आएगी, और इसलिए यहाँ पर आएगी दीज स्टोरीज़।
स्टोरीज, अगर एक स्टोरी होती तो स्टोरी करते, एक से ज़्यादा है इसलिए स्टोरीज लगा रहे हैं। दीज स्टोरीज, अब कहानियाँ एक से ज़्यादा हैं इसलिए यहाँ पर आर का प्रयोग करेंगे। दीज स्टोरीज आर, अब रोचक की इंग्लिश जो होती है वो इंटरेस्टिंग होती है, इंटरेस्टिंग। दीज स्टोरीज आर इंटरेस्टिंग। सेंटेंस कंप्लीट हो गया। अगला सेंटेंस देखिए, वो पतंगे हैं, वो पतंगे हैं। तो यहाँ सबसे पहले वो की इंग्लिश लगाएंगे जो कि होती है दोज। पतंगें जो हैं वो काफ़ी दूर हैं, हो सकता है आसमान में उड़ रही होंगी, तो काफ़ी दूरी पर हैं तो, और एक से ज़्यादा हैं इसलिए यहाँ पर वो पतंगें, वो की इंग्लिश दोज लगाएंगे। तो दोज एक से ज़्यादा हैं इसलिए यहाँ पर आर लगाएंगे, दोज आर। और पतंग की इंग्लिश काइट होती है, एक से ज़्यादा हैं इसलिए काइट्स, दोज आर काइट्स। सेंटेंस कंप्लीट हो गया है। अगला सेंटेंस देखिए, वो पतंगें सफ़ेद हैं, वो पतंगें सफ़ेद हैं। तो यहाँ पर वो पतंगें, इसकी पूरे की इंग्लिश एक साथ आएगी, वो पतंगें सफ़ेद हैं। तो यहाँ वो पतंगें की इंग्लिश जो है वो लगाएंगे दोज काइट्स, दोज काइट्स आर, क्योंकि एक से ज़्यादा पतंग हैं इसलिए आर का प्रयोग कर रहे हैं, दोज काइट्स आर। और सफ़ेद की इंग्लिश वाइट। अगर आपको इसमें कोई प्रॉब्लम आ रही हो कि मैं कहीं पर इज का प्रयोग करता हूँ, कहीं पर आर का प्रयोग करता हूँ, तो आप इसके प्रयोग को समझने के लिए आप हमारी इससे पहले अपलोड की गई वीडियो जो यूज ऑफ इज एम आर पर आधारित थी वो आप देख सकते हैं। मैंने इस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप उसको भी चेक कर सकते हैं। अगला सेंटेंस देखिए, यह प्रिंटर अच्छा है, यह प्रिंटर अच्छा है। तो यहाँ पर यह प्रिंटर की इंग्लिश एक साथ आएगी, तो दिस प्रिंटर इज गुड, दिस प्रिंटर इज गुड। सेंटेंस कंप्लीट हो गया है। अगला सेंटेंस देखिए, यह मेरे भाई की किताब है, यह मेरे भाई की किताब है। तो यहाँ पर यह की इंग्लिश लगाएंगे, किताब एक ही है सेंटेंस से हमें पता चल रहा है, तो इसलिए यहाँ पर यह की इंग्लिश दिस लगाएंगे। तो दिस एक ही किताब है इसलिए इज, दिस इज, अब बचा है मेरे भाई की किताब, बुक ऑफ माई ब्रदर, या फिर माई ब्रदर्स बुक, माई ब्रदर्स बुक, दिस इज माई ब्रदर्स बुक। या तो ये लगा दें या फिर हम ऐसे भी लगा सकते हैं, दिस इज बुक ऑफ माई ब्रदर। तो हम यहाँ पर दिस इज माई ब्रदर्स बुक ऐसा लगा रहे हैं, दिस इज माई ब्रदर्स, दिस इज माई ब्रदर्स बुक। सेंटेंस कंप्लीट हो गया। अब अगला सेंटेंस देखिए, ये आपकी घड़ियाँ हैं, ये आपकी घड़ियाँ हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले ये की इंग्लिश लगाएंगे जो कि होती है दीज। आपको सेंटेंस से पता चल रहा है कि घड़ियाँ हमारे पास में हैं, हम घड़ियों की तरफ इशारा कर रहे हैं, जिन घड़ियों की तरफ इशारा कर रहे हैं वो घड़ियाँ हमारे पास में ही हैं और एक से ज़्यादा हैं, इसलिए यहाँ पर हमने दीज का प्रयोग किया है। तो दीज आर। अब आपकी घड़ियाँ, तो आपकी घड़ियाँ इसकी इंग्लिश होती है योर वॉच, दीज आर योर वॉच। सेंटेंस कंप्लीट हो गया। अब अगला सेंटेंस देखिए, वो हमारी कारें हैं, वो हमारी कारें हैं, यानी कारें जो हैं, जिन कारों की तरफ हम इशारा कर रहे हैं वो कारें हमारे पास में नहीं, दूर हैं, कहीं खड़ी हुई हैं, और हम उन दूर खड़ी हुई कारों की तरफ इशारा करते हुए कह रहे हैं, और एक से ज़्यादा कारें हैं तो इसलिए हम कह रहे हैं वो हमारी कारें हैं। तो यहाँ पर वो हमारी कारें हैं, तो वो की इंग्लिश दोज लगाएंगे, दोज
आर, दोज आर हमारी कारें। तो हमारी कारें इंग्लिश, इसकी जो इंग्लिश आएगी वो अवर कार्स, एक से ज़्यादा कार हैं इसलिए कार्स, दोज आर अवर कार्स। सेंटेंस कंप्लीट हो गया। अब अगला सेंटेंस देखिए, वह एक तारा है, वह एक तारा है। तो यहाँ देखिए तारा जो है, हम हो सकता है आसमान में कोई तारा आपको चमक रहा हो तो उसकी तरफ हम इशारा कर रहे हैं। तारा जो है हम एक ही तारे की तरफ इशारा कर रहे हैं और दूर है हमसे, तो इसलिए हमने यहाँ पर डैट यूज करना है। तो डैट इज एक ही तारा, इसलिए डैट इज और एक तारा यानी अ स्टार, डैट इज अ स्टार। सेंटेंस कंप्लीट हो गया। अब अगला सेंटेंस देखिए, यह एक बोतल है, यह एक बोतल है, यह एक बोतल है। तो यहाँ पर यह की इंग्लिश दिस लगाएंगे, दिस इज, अब बचा है एक बोतल, दिस इज अ बोतल। तो ये पूरे 15 सेंटेंस मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए हैं। देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, अगर आपको इंग्लिश जल्दी से जल्दी सीखनी है तो आपको जितने मैं सेंटेंस यहाँ पर एक्सप्लेन करता हूँ उन सेंटेंस को पहले आप खुद भी बनाया कीजिए और फिर उसके बाद चेक किया कीजिए कि जो आपने सेंटेंस बनाए हैं वो सेंटेंस सही हैं या गलत है। और इसके अलावा आप अपने मन से भी कुछ सेंटेंस क्रिएट करने की कोशिश किया कीजिए। अगर आपको इंग्लिश के सेंटेंस मिलें तो आपको उन्हें हिंदी में ट्रांसलेट करने चाहिए, तो इससे आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करते रहेंगे उतना जल्दी आप इंग्लिश सीखते रहेंगे। इंग्लिश बहुत आसान है। तो चलिए हम अपनी अगली वीडियो में बात करेंगे यूज ऑफ दिस डैट दिस दोज से संबंधित दूसरी एक्सरसाइज जो नेगेटिव सेंटेंस से संबंधित होगी। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।